बॉस खत्म हो चुका है, जी, फाइनली जो है आप बाहर आ चुके हैं और लोग ये भी मान रहे हैं कि आप ही बिग बॉस के विनर हैं, तो कितनी खुशी होती है जब इस तरह के कॉम्पिटिशन। या लेट्स नॉट टेक इट अवे फ्रॉम शिल्पा, शिल्पा जीती हैं, हिना सेकंड आई है, मैं थर्ड आई हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है कि जिस तरीके का रिस्पांस मुझे मिल रहा है इस वक्त, इट्स अमेजिंग। मतलब मैं वो एक इंसिडेंट बता रहा था किसी को, मैं मेरी कार नहीं वर्क कर रही थी तो मॉम को ओला नहीं मिल पा रही थी, उनको आता नहीं है यूज़ करना, तो उन्होंने ऑटो ले लिया था और ऑटो वाले ने बोला अरे आप तो मास्टरमाइंड की माँ हैं, एंड देन दे उसको उनको लेके गए हैं, शॉपिंग कराई है तीन ऑटो वालों ने, सिक्योरिटी की तरह वापस घर ड्रॉप किया और पैसे भी नहीं लिए। तो मतलब इस तरह का आपको फ्रॉम नॉर्मल प्लेसेस जो प्यार मिल रहा है वो इतना ब्यूटीफुल है दैट इट्स अमेजिंग, एंड आई थिंक वी आर ऑल ब्लेस्ड दैट ये सीज़न अब तक के हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल सीज़न गया है और हर एक कंटेस्टेंट, हर एक घर वाले को बहुत बहुत मोहब्बत मिल रही है, सो आई थिंक दैट्स रियली रियली कूल। इसके अलावा बिग बॉस आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है, क्योंकि जो है बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी हुई है आपके साथ, लेकिन आपकी छवि जो है लोगों की नज़र में अभी जो है एकदम साफ है, तो आपको लगता है कि टर्निंग पॉइंट है बिग बॉस? यू नो मैंने बिग बॉस किया ही इसीलिए था। क्या होता है ना कि whenever there is a controversy, कुछ और लोग आपको जानते नहीं हैं, लोग उनको जानते हैं जो कैमरे के सामने होते हैं, तो मेरा एक रीज़न था बिग बॉस करने का ताकि लोग जान सके, अर्शी के आवाम जान सके, बाकी लोग इंडिया के लोग जान सके कि मैं इंसान कैसा हूँ, और वो 3.5 महीने में कोई फेक नहीं कर सकता अपने आप को। सो जैसा भी हूँ, मेरे अंदर कमियाँ हैं, गलतियाँ भी हैं, और मेरे अंदर गुस्सा भी है, पर मेरे अंदर अच्छाई भी है, तो आई थिंक जैसा भी हूँ मैं बिल्कुल सबके सामने हूँ, सो दिस इज़ व्हाट आई एम, एंड आई एम ग्लैड लोगों को पता चल रहा है किस तरह का इंसान मैं हूँ, तो वो जो प्यार मुझे मिल रहा है उसकी वजह से आई एम सो ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड। हिना जो है हार को लेकर थोड़ी सी डिसअपॉइंट है, तो आप कुछ कहना चाहेंगे? आई डोंट थिंक वो सही हो जाएगी, वो बड़ी कंपेटिटिव टाइप की है ना, तो हिना का क्या है कि वो इतनी कंपटीशन में इतनी ज़्यादा घुस जाती है कि उसको जीतना ही होता है, वो जीतती नहीं है तो उसके बाद थोड़ा एक दो दिन होता है लड़कियों का, अब तो हमने सीखा ही सलमान से लड़कियों का मूड पे कभी डिपेंड नहीं करना चाहिए, अब आई थिंक वो सही है, अब आज उसका मैसेज आया था, सो आई एम ग्लैड एंड आई एम श्योर वो अभी वापस अपेयरेंस करेगी और बहुत ही रॉकिंगली वापस कुछ और नया कॉम्पिटिशन लेके बहुत सुपरबली करेगी। वो मुझे नहीं लगता, एज एन एक्टर तो मैं नहीं कर पाऊंगा टेलीविजन और डेली सोप्स, बिकॉज नॉट बिकॉज आई डोंट थिंक इट्स गुड, आई थिंक इट्स सुपर्ब, आई जस्ट थिंक कि मेरा पैशन राइटिंग में है और मेरा पैशन डायरेक्शन में है और प्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं बहुत सारी चीज़ें, तो मैं मेरे को आई डोंट थिंक इतना टाइम मिलेगा, बट हाँ आई माइट बी होस्टिंग समथिंग एंड आई माइट डू अ वेब सीरीज, बट टेलीविजन शो ऑन अ लॉन्ग रनिंग शो वो नहीं हो पाएगा मेरे से, आई एम सॉरी अबाउट दैट, बट मैं 100% कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करता रहूँगा ताकि जो मेरा इंटरेक्शन हुआ है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी सेल्फिश बिकॉज मुझे जो प्यार मिल रहा है वो इसलिए मिल रहा है बिकॉज मैंने कैमरा फेस किया था, तो आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं वो कंटिन्यू करूँ किसी ना किसी फॉर्म में, बिकॉज आई लव द लव आई एम गेटिंग, आई जस्ट लव द लव आई एम गेटिंग। सलमान सर मेरे साथ काम करेंगे तो क्यों नहीं बनाऊँगा, लेकिन आई डोंट थिंक अभी मैं उस लेवल पर हूँ कि मैं सलमान सर के साथ फिल्म बना सकता हूँ, लेकिन ज़रूर ऐसा टाइम आएगा जहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि मैं सलमान सर हो जाएं या किसी भी ऐसे अच्छे एक्टर के साथ काम कर पाऊँ, पर उसके लिए पहले मैं अपने को प्रूफ तो कर लूँ एज अ डायरेक्टर, लेट मी मेक अ स्मॉलर फिल्म, मेक इट अ हिट, एंड देन आई एम श्योर कि वो भी मेरे साथ काम करेंगे। थैंक यू